सुबह सुबह उठ के आपको रोज ऐसा नजारा मिला तो कैसा लगेगा? खिड़की खोली और सामने पहाड़, उन पे स्नो, चाय और पहाड़। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऐसा है कुछ नज़ारा अभी अपने होटल से। 10:30 बजे सोए थे रात को और मेरी नींद काफ़ी अच्छी आई है। थके बहुत ज़्यादा थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से और ज़्यादा नींद आई। सो अभी बस निकलेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वाना खाएंगे यहाँ से और निकलेंगे यहाँ से और आज जाएंगे हम ऊपर। 40 किलोमीटर सुबह जाना है। सो होते हैं तैयार और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रोड पर। सो स्टे ट्यून्ड। हो गया चेकआउट तेरा? हो गया चेकआउट? और ये चलो निकलो। कमांडो हट को शुरू कर। यो चलो चल भाई, निकल लिए होटल से, चलते हैं गाड़ी की तरफ। पहले अपनी गाड़ी को भी कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर भी फंसी होगी वैन ना यहाँ पर ना, पता नहीं भाई टायर की हालत देखनी अभी तक, वो इसमें से मिट्टी जम गई है। गाड़ी रखी थी कोल्ड स्टार्ट पे थोड़ी देर और चलिए चलते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई गाड़ी, अच्छी है। निकल रहे हैं अभी यहाँ से लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। नहीं थोड़ी जानकारी लेनी जरूरी होती है ना भाई, क्या नाम है आपका, आपके पिताजी का नाम क्या है? और कुछ रिश्तेदार भी निकलते हैं। ब्रेकफास्ट किया कि नहीं आपने? अब ये लग रहा है पत्नीटॉप वाला रास्ता नहीं, जब वो अंदर जाते हैं हम पडोरा वाली साइड। थोड़ी देर हीटर चलाना गाड़ी में, थोड़ी देर बस रुक जाए, तो क्या पैर गर्म हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। हमारे गांव जो सही एरिया है, पहाड़ है और ये वही पहाड़ है लगभग ना, ऑलमोस्ट सेम यार, रेंज लगभग वही है। ये अपना पहला ग्लिम्स जो पास हमने क्रॉस करना है, बट लग नहीं रहा मेरे को होगा ये क्रॉस, यहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं ये नहीं पता। हाँ मेरे को लगता नहीं पहुँचेंगे भी यहाँ तक। ये है अपना हॉलीडे, ऐसा होना चाहिए। एरिया देख कितना अच्छा यार, रहने लायक एरिया है, मेरे को ऐसा ही चाहिए। तभी चूँकि कैप्चर किया जाए इसको। और ये अभी हम चलते चलते एक जगह रुक गए, रीज़न क्या हो सकता है आई गेस आपको हल्का सा पता लग रहा होगा वहाँ से। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, अब देखिए एक बार। वाह वाह, और उसके सामने का झरने के सामने का व्यू कैसा है आप वो देखिए। और खूबसूरत है यार डुडू ब्रिज। डुडू ब्रिज सुना है ये? हाँ हाँ डुडू ब्रिज है। हाँ डुडू ब्रिज, और यहाँ पे हम गाड़ी साफ करेंगे। गाड़ी साफ तो नहीं करेंगे, पानी भरेंगे पानी। हाँ उसमें ना थोड़ा वाइपर वाले टैंक में भरना है मेरे को, ये वाला ना। हाँ ये भर ले, तो साइड पर लगा देते हैं एक बार गाड़ी। गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है और जो वाइपर टैंक है उसमें भी पानी ख़त्म हो रखा है। सो वी थॉट ऑफ फिलिंग इट, रीफिलिंग इट एक्चुअली। सो अभी यहाँ से भरेंगे और थोड़ा शीशा वगैरह साफ करते हैं गाड़ी का, बहुत गंदी हो रखी है अभी। Thank you.
साहब फिल हो गए टैंक, निकलते हैं यहाँ से। ये रास्ता देखो, ये रास्ता देखो, ये देखो। अब खूबसूरती आने लगी, एक्चुअल में खूबसूरती आने लगी। ये अभी चाय वाली दुकान पर रुके हैं, चाय पीने के लिए। थोड़ा सा गाड़ी साइड पर लगा दूं पहले, क्योंकि हाँ वो है जगह के, वहीं पर लगा देता हूँ। ये देखिए जहाँ पर चाय पीने रुके हैं अभी हम, गया वह सुधीर आके चाय बनवाने के लिए। बट लुक एट दिस प्लेस, अच्छा ऊपर है। आई गेस आपने टाइम लैप्स का मजा ले लिया होगा अच्छे से। तो चलते हैं, अभी हो गया अपना चाय वाय हो गया, अब चलते हैं वापस, क्योंकि जो पास है वो शायद से अभी 6-7 किलोमीटर ही रह गया ऊपर। बट एज़ पर लोकल्स पास हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी हैवी स्नो है ऊपर। मतलब जब मैंने बैठना है तभी डैशबोर्ड खोलना है ना, तो भी आया है। याद हमेशा तेरे को अच्छे टाइम पे ही आता है ना, बिल्कुल अच्छे टाइम पे आना चाहिए। आगे देखो, आगे एफ से रॉकिंग मौसम हो गया। और देख चीज ऐसा है कि आते टाइम ना ढंग से आना पड़ेगा। हाँ, और ये यहाँ पर गाड़ी स्लिप कर रही है और मेरे को बड़े तरीके से चलना पड़ेगा। और एज पर लोकल्स ऊपर 4-6 feet स्नो है पास के पास। सो हम पास के पास भी नहीं पहुँच पाए। तो ये आगे JCB लगी है और आई गेस रास्ता आगे बंद है। आई डोंट थिंक कि हम आगे जा पाएंगे इससे। एक बार देखते हैं बाहर निकल के कि क्या स्टेटस है। देखो जरा ये पूरा ऊपर तक इस तरह ही है। चलो ये शायद इतना सा ही पैच है जो क्लियर कर रहे हैं अभी। आगे बोल रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा, सो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर। बट अब यहाँ से व्यू देखिए एक बार कैसा है। और मैं सोच रहा हूँ कुछ यहाँ पर शॉट्स ले लूँ, फोटोग्राफ्स ले लूँ और उनको अपने इंस्टा के लिए। सो मेक श्योर आप सब इंस्टा पे जाएं और मेरा अकाउंट चेक कीजिए, फॉलो कीजिए उसे। मैं अपना इंस्टा हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में आप शेयर कर दूंगा। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। जगह मिल गई हमें निकलने के लिए। ये पैच शायद थोड़ा सा ही था और अंकल जी ने परमिशन दे दिया आगे। शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू। सो ये छोटा सा ही पैच था शायद से 100-150 meters का। और JCB आगे आगे चल रही है। ओह ये तो पीछे भी आ गई, यू टर्न देखा जैसे भी यही वाला रील बनाएंगे आज हम। हाहा, जैसे मेरी बिटिया बोलती है वाह 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 वाह। सो वैसा ही अभी ऐसा ही वाह वाह हो गया हमारे साथ भी आज यहाँ पे टच वुड। और सुधीर बोल रहा था कि चलो वहीं से पीछे से वापस चलते हैं। स्काई का जो कलर है, आई डोंट नो, मुझे सचपास जैसी फीलिंग आ रही है। बिकॉज़ एक पॉइंट पे सचपास पे हम ऐसी रोड पे ही जा रहे थे और सामने स्काई ऐसा ही था ऑलमोस्ट, रिमेंबर? हां, वो जंगल से जब क्रॉस कर रहे थे। राइट। तू कहां था सचपास में हमारे साथ? जिसने तुझे रास्ता बताया ना सचपास का, वो मैं ही था। गूगल, हमारा गूगल रोहित कजूरिया। और बहुत प्यारा सीन है यार, शिट माय गॉड, लुक एट द क्लाउड्स यार।
फक, बहुत बहुत प्यारा यार स्नो। यहाँ पे पहाड़ जो दिख रहे हैं हमें, ये पूरे कवर्ड है स्नो से। अब तो हमें ऐसे, अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ बर्फ अब देखने को मिल रही है। अब आए हम बर्फ प्रोन एरिया में। आई विश की ना हम पास को क्रॉस कर पाए। आई विश, दिल खुश हो गया भाई साहब, दिल खुश हो और गया। ये है हमारे जे एंड के की खूबसूरती, खासकर जम्मू रीजन की। लोग पता नहीं क्यों कश्मीर को बहुत खूबसूरत बोलते हैं। कश्मीर नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बट अगर आप जम्मू रीजन को एक्सप्लोर करोगे, जम्मू कश्मीर से किसी भी लिहाज में कम नहीं है। एग्जैक्टली यार, ब्यूटी देखो, अप्रिशिएट ब्यूटी। आई एम श्योर कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, बट जम्मू भी ब्यूटीफुल है। और ऐसी जगह हैं ये जम्मू की जो ज़्यादा लोगों ने डिस्कवर नहीं करी हैं। बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है टायर्स अभी, क्योंकि ब्लैक आइस हो रखा है गंदा वाला, और काफ़ी मोटी परत है नीचे ब्लैक आइस की। सो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये देखिए, आपको आई गेस आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा टायर का जब जब ये बर्फ के ऊपर से निकलती है। सो वो बहुत सूदिंग सा साउंड लगता है एक्चुअली मेरे को। ये दूर से लग रहा था कि ये गिलास गिरे हैं नीचे। अब देखिए पूरा गिलास लग रहा है। और चलो रे डोली यार, मैं गाड़ी चला के थक गया हूँ तो अब मैंने कहा को दिया है, क्योंकि टफ जितना जितना टफ एरिया था जितना टफ एरिया था सुधीर ने बैठ के चला लिया, और अब ये देखेगा है ना। अब आगे इजी है तो आगे आगे इजी है बिल्कुल, और इसलिए ये मैं चला रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, मुझे आदत है भैया सर। यार फैक्ट ये है कि मैं गाड़ी चलाता नहीं, मुझे चलानी नहीं आती है। सो ये ऐसे ही खुश होता रहता है, मैं ऐसे ही खुश होता रहता हूँ। ओ भाई जोर शोर से पकड़ इसको। सॉरी। तो यार यहाँ से ऊपर गाड़ी जा रही है हमारी, तो रोहित इज सेइंग दैट ही विल ट्राई समथिंग, लेट्स सी। काफ़ी ज़्यादा स्लश है यार, गाड़ी आगे नहीं जा रही है। रुक जा मैं उतर जाता हूँ। हाँ तो जा। काफ़ी ज़्यादा स्लश है इस एरिए पे, तो गाड़ी नहीं आ रही है, बट आई बिलीव इस टाइम। वो 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 गुड वन। अभी ये झरना दिखा है, मैं बहुत खूबसूरत झरना है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और इसके आगे रोड थोड़ा सा और टफ है। ब्यूटीफुल यार। और अभी आई गेस ये पहली गाड़ी है जो नीचे से ऊपर जा रही है आज की। गाँव वाले तो बोल रहे थे कि मत जाओ, रास्ता आगे बंद है एंड ऑल, बट मैं बोल रहा था अरे गाड़ी भी चला रहा हूँ, टेंशन मत ही लो। जहाँ पे मेरे को डिफिकल्ट लगेगा मैं तेरे को खुद ही बोल दूंगा। गाड़ी पार्क करेंगे और ऊपर जाएंगे, वो जो दिख रहा है ऊपर जाएंगे जहाँ शेड है ना, वहाँ जाना है। ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय जी, ओ 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 ओम नमः।
शिवाय। जय हो बोले सो फाइनली पहुंच गए हम शिव गली शिव पास और निकलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है। ये देखिए व्यू ये है शिवजी का टेंपल है ये शिवा पास इसलिए इसको शिवा पास बोलते हैं एक्चुअली। और ये व्यू देखिए यहाँ से और वो हम नीचे आई गेस आपको रोड दिख रही होंगी वो ये यहाँ से हम आए हैं व्यू पर बट व्यू बहुत आसम है यहाँ का। पहले शिव मंदिर के पास चला जाए और शिव जी के दर्शन कर ले जाए एक बार। यहाँ भी काफ़ी स्नो पड़ा होगा अभी यहाँ पर रास्ता हम कुछ लोग चले हैं तो रास्ता बना हुआ है बट ये जो पास रहता है एक्चुअली बंद रहता है दो तीन महीना से मंदिर पे भी बंद है और सामने वाला खुला हुआ है शायद से। और ये आया मंदिर के पास ये नंदीगण महाराज जय शिव शंभु जय श्री राम हर हर महादेव।